हेलो। तो दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूँ एक और थ्योरी वीडियो आपके लिए, क्योंकि मेरा पिछला थ्योरी वीडियो इतना कमाल का हिट हुआ था, उस पर 12 व्यूज आए थे, 12 हाईएस्ट व्यूज। प्यूडीपाई भी इसकी कंपैरिजन नहीं कर सकता, 12 व्यूज, सोचो यार। तो इन 12 व्यूज पे मिट्टी डालते हैं और हद पार करके शुरू करते हैं। तो आज का हमारा मुद्दा है वेजिटा के बारे में, वो अपने सुपर सेंस ट्रांसफॉर्मेशन स्किप क्यों करता है, जैसे सुपर सेन 3 और सुपर सेन गॉड। पहले आते हैं सुपर सेन 3 पर। तो सुपर सेन 3 क्यों नहीं बनता, आपको लग रहा है यार, लग नहीं रहा होगा, लेकिन वेजिटा बहुत ही स्मार्ट फाइटर है, बिल्कुल पिकोलो जैसा। जैसा कि हमने देखा है, गोकू जब सुपर सेन 3 बनता है तो सुपर सेन 3 उसकी बहुत सारी एनर्जी खींच लेता है, तो वो ज़्यादा देर तक उस फॉर्म में रह नहीं पाता। तो इसी चीज़ को देखते हुए वेजिटा ने सोचा कि मैं सुपर सेन 3 नहीं बनूंगा। तो इससे हमें पता चलता है कि वेजिटा बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट फाइटर है। तो इससे एक बात क्लियर नहीं होती, वो सुपर सेन 3 बनने से पहले उसे कैसे पता चल गया तो कि वो ज़्यादा एनर्जी लेता है। तो जैसे हमने फ्यूजन रिबॉर्न में देखा था, हालांकि वो कैनन नहीं है, फिर भी मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कि वेजिटा ने गोकू को सुपर सेन 3 बनते हुए देखा था और उसने देखा था गोकू की हालत कैसी हो रही थी। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि वेजिटा सुपर सेन 3 नहीं बनना चाहता। बात है सुपर सेन गॉड पे। तो सुपर सेन गॉड क्यों नहीं बना, एक सीधा सीधा कारण है, क्योंकि उसने गोकू से पहले अपनी की और एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लिया था, इसलिए वो डायरेक्ट सुपर सैन गॉड ब्लू बन गया। लेकिन इस बात से कुछ भी क्लियर नहीं होता। तो जैसे सुपर सैन 3 बहुत सारी एनर्जी लेता है, वैसे ही सुपर सैन गॉड भी बहुत सारी एनर्जी लेता है और वो भी ज़्यादा देर तक रह नहीं सकता। तो दोनों का एक ही प्रॉब्लम है, बाकी का बाद में देखेंगे। इसी मुद्दे पे बहुत सारे वीडियोज़ बनाए एक्सपर्ट गेमर्स ने और विस्कर ने, बहुत सारे DBZ यूट्यूबर्स ने। तो आज के लिए बस इतना है। तो आते हैं स्पॉयलर्स की तरफ। हमने प्रीव्यू में देखा गोकू विस के साथ ट्रेनिंग कर रहा है और क्वालिफा नहीं, वो फीमेल ब्रॉली जिसे हम कहते हैं, वो चिप चिप कर देख रही है गोकू को और उसे जानना है सुपर सेन और इन्हीं चीज़ों के बारे में, इसलिए वो ट्रेनिंग को देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है बहुत नज़दीक से। जैसे कि हमें पता है कि बू हिस्सा नहीं लेने वाला है क्योंकि वो सो गया है, उसी चीज़ पर मैंने एक थ्योरी वीडियो बनाया था जिस पे 12 व्यूज़ आए हैं। कैन यू इमेजिन 12 व्यूज़, जाने दो। तो मैं क्या कह रहा था, तो जैसे बू नहीं खेल रहा है टूर्नामेंट ऑफ पावर में, वैसे हमें न्यूज़ आई है कि क्रिरिन और एंड्रॉयड 18 भी नहीं खेल रहे, लेकिन गोकू उन्हें मना लेगा क्योंकि वो हिस्सा तो लेने वाले हैं। तो एक चीज़ भूल गया दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो यार, और उस लाल सब्सक्राइबर्स बटन के साथ आप स्पॉयलर्स बनाओ या एक और थ्योरी वीडियो बनाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो शेयर भी करो ये वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, मैंने पहले ही बोल दिया है स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ट्यून्ड, फिर से नहीं बोलूँगा, पागल नहीं हूँ मैं। बाय।